नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे करें लक्ष्मी जी की आरती। भगवान विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी धन समृद्धि की देवी है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए आज संसार के सभी व्यक्ति परेशान रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी जी की आरती का उच्चारण कैसे करें। माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान निकले रत्नों के साथ हुई थी, लेकिन सनातन धर्म के विष्णु पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जी भृगु की पुत्री हैं और समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी की महिमा का व्याख्यान वेदों में बताया गया है। माता लक्ष्मी जी का विशेष दिन शुक्रवार को माना जाता है। माँ लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कैसे करें माता लक्ष्मी जी की आरती का उच्चारण। श्री हरि विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी जी की आरती में 16 पंक्तियां होती हैं, जिसका उच्चारण थोड़े ऊंचे राग के साथ मधुर स्वर में मध्य वेग में उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करते समय एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि आरती का उच्चारण शुद्ध हो। माता की आरती में कुछ सांस्कृतिक वाद्य यंत्र भी बजाने चाहिए। तथा आरती में रुई की बत्ती को घी में डुबोकर जलाएं तथा ऊपर से घी डालें तथा इस आरती में कपूर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप घी की बत्तियों को प्रज्वलित करें तब इनकी संख्या पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इनकी संख्या 1, 5, 9, 11 या 21 होनी चाहिए। आरती हमेशा घड़ी के घंटों की दिशा में करनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।